हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मिनिमलिस्टिक लीग। मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करने वाले हैं नीता अंबानी के बारे में। अगर आप फीमेल हो और स्पेशली अगर आप 35 प्लस हो, की वीडियो आपके लिए, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं अभी तक बहुत सारे फीमेल से मिल चुका हूँ जो नीता अंबानी से इंस्पायर्ड है, स्पेशली उनके ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब उनके शादी के आसपास की फ़ोटो, मिट की फ़ोटो और जो अभी दिखती हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और बोलती हैं कि वो तो 2.5 लाख की चाय पीती हैं, यहाँ पे फेशियल कराती हैं, यहाँ पे टैनिंग पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट लेती हैं। और ऑब्वियसली यार, सी हैज ऑल द प्रिविलेज टू डू सो। तो यार आप उस पर या कमेंट नहीं कर सकते, बट येस आप उनके जैसा देख सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप भी फॉरएवर यंग दिख सकते हो। ऑब्वियसली मैं नीता अंबानी से यंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सिमिलर और मोर और लेस आप वैसा दिख सकते हो। तो इस वीडियो में टोटल हम 5 से लेकर 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप फॉलो करना है और आपको 1 से 1.5 साल के अंदर ये रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो बता दूँ आपको, इस चैनल पर मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप और ट्रिक्स मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो ये वीडियो जरूरी नहीं कि फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए भी। अगर आप भी यंग, यूथफुल हमेशा दिखना चाहते हो तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो जरूरी नहीं एक जेंडर स्पेसिफिक है। देखो, नीता अंबानी हमेशा से अपने ग्रेस स्टाइल और ग्लोइंग स्किल के लिए जानी जाती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनकी राइट डाइट, राइट सप्लीमेंटेशन, राइट ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। बट कुछ स्टेप्स को फॉलो करो तो आप भी उनके साथ देख सकते हो। एज अ फर्स्ट नंबर पे आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है। अब मैं ये नहीं बोला कि आप 5, 7, 10 लीटर पानी पियो, लेकिन जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी है एटलीस्ट 3-4 लीटर आपकी बॉडी में जाना चाहिए। मतलब 12 से 16 लीटर आपकी बॉडी में पानी हो जाना चाहिए और ये आपके टॉक्सिन को फ्लश करता है प्लस स्किन को हाइड्रेट रखता है। सेकंड नंबर पे आता है ईट हेल्दी। तो इसमें आपको राइट न्यूट्रिशियस फूड खाना है, चाहे वो लीफी वेजिटेबल हो, हाई प्रोटीन, होल ग्रेन, सिट्रस बेस्ड फूड, ये सब आपको कंज्यूम करना है। ये आपको एनर्जी देते हैं, आपके ओवरऑल वेलबींग को रिप्लेनिश करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एक्सरसाइज रेगुलरली। आप किसी भी फीमेल को देखना जो बहुत फ्रिक्वेंट जिम जाती हैं और किसी एक ऐसे बंदी को कंपेयर करना जो कभी नहीं जाती, आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। तो ऑब्वियसली वर्कआउट एक बहुत अच्छा रेगुलर ब्लड फ्लो देता है आपकी बॉडी के अंदर और आपको यूथफुल और यंग बना के रखता है। इस फोर्थ नंबर पे आता है गेट एनफ स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये आपके स्किन और बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है और रिन्यूएट करता है। और ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा टायर्ड दिखोगे तो आपकी एजिंग जल्दी होगी। फिफ्थ नंबर पे आता है जूस सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ। तो सनस्क्रीन आप चाहे घर के अंदर हो, बाहर जा रहे हो, किसी भी वेदर में जा रहे हो, सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। और 80-120 मिनट का बेसिकली बैंडविथ होता है और इसके बाद आपको बार बार ये अप्लाई करना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव आपकी वो कितना एस पी है, चाहे 30 है, 45 है, 50 है, इवन आप 75 यूज कर रहे हो, ये बैंडविथ होती है। सिक्स नंबर पर आता है अवॉइड एल्कोहल एंड सिगरेट। ये दोनों चीज़ आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हैं। तो अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो ओकेजनली ड्रिंकिंग चलता है, लेकिन अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट करते हो, क्लब जाते हो, पार्टी में जाते हो, मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर रहा, आप जाओ करो, बट मेक श्योर कि आपका एल्कोहल कंजम्पशन और सिगरेट कंजम्पशन काफ़ी लोअर साइड होना चाहिए। इस 7th नंबर पे आता है यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी। ऑब्वियसली मैं नीता अंबानी जैसे ट्रीटमेंट लेने को नहीं बोला कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्च करो, लेकिन जितना हो सके पॉसिबली आप नेचुरल इंग्रेडिएंट को अपनी बॉडी पे अप्लाई करो, लगाओ। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके घर में एलोवेरा है तो उसको यूज करो अलॉन्ग विद दी हनी। ये सबसे बेस्ट वे है आपकी स्किन को रेन्यूजुएट करने का और यंग दिखाने का और हाइड्रेट रखने का। कई 8वें नंबर पे आता है यूज फेस मास्क ऑन द वीकली बेसिस। मार्केट में बहुत सारे फेस मास्क मिल रहे हैं, आप उनको ले सकते हो। इवन अमेजॉन पे बहुत सारे गैजेट हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो आपके फेवरेट फ्रूट से फेस मास्क बना देते हैं, आप उनको अप्लाई करो और ये बेसिकली आपके जो डेड स्किन होती है उनको रिमूव करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी होती है उनको हटा और साथ में जो स्किन के अंदर कोई भी डैमेज है उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। 9वें नंबर पे आता है गेट रेगुलर फेशियल।
आप अपने घर में किसी को बोल सकते हो, या आप मार्केट में जाके करा सकते हो, सलोन में या फिर पार्लर में करा सकते हो, या आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छा करते हैं और फेस पे जो एजिंग फैक्टर आता है उसको रिमूव करते हैं। जब आप फेस पे मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन फेस के अंदर काफ़ी अच्छा होता है और इससे आपके फेस पे झुर्रियाँ या फेस पे कोई भी स्किन लटकती नहीं है और कोलाजन बेसिकली स्किन के बीच में और मसल्स के बीच में बॉन्ड बना के रखता है। ये 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। लाइफ में अगर आप सब कुछ कर रहे हो ना, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं हो, आपके फेस पे स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो एजिंग बहुत जल्दी आती है। तो आपको अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, चाहे हैप्पीनेस किसी भी चीज़ में हो, आप यूटिलाइज करो और मेक श्योर कि आप हैप्पी रहो। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए, आप चाहते हो हमेशा यंग दिखना, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था नीता अंबानी का, अगर आप उनसे इंस्पायर होते हो तो इनको फॉलो करो और आप उन जैसी स्किन पा सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।